हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन WLAN वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं RF अटेन्यूएशन लॉसेस एंड गेन के बारे में। तो लॉस क्या होता है? लॉस जो होता है उसको हम अटेन्यूएशन भी बोल देते हैं। लॉस का मतलब है कि किसी चीज का कम हो जाना। सो लॉस आल्सो नोन एज अटेन्यूएशन, डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड और सिग्नल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड लॉस एंड अटेन्यूएशन। सो जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है जब वो डिक्रीज हो जाता है उसको हम लॉस या अटेन्यूएशन बोलते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एक सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड आपका 5 dB है। तो अब जब इसमें सपोज करो कुछ कुछ लॉस होता है सिग्नल में, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस वजह से लॉसेज हो जाते हैं सिग्नल में और क्या लॉसेज होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से ये सिग्नल 3 dB का हो जाता है तो इसमें मेरे पास 2 dB का लॉस हो गया, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड 3 dB रह गया। और एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब आपका सपोज करो अगर ये साउंड का सिग्नल है तो आपकी आवाज कम हो गई या डिस्टॉर्टेड हो गई आपकी आवाज। क्या क्या तरह के लॉस होते हैं इसमें? एक आता है फ्री स्पेस पाथ लॉस। फ्री स्पेस पाथ लॉस इज द लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय द नेचुरल बॉर्डनिंग ऑफ द वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ट्रांसमीटर है आपका, यहाँ से एंटीना लगा हुआ है और ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये वेव जब ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो इसका सपोज करो एम्पलीट्यूड 5 dB रहता है, और ये जब अगर वेव अपना डिस्टेंस ट्रैवल करते 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 अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, ये रिसीवर रखा है यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचने में अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड 2 dB रह जाता है तो ये हो गया इसका फ्री स्पेस पाथ लॉस। हमारे पास 3 dB का लॉस हो गया। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको डिस्टेंस में वो करना होता है, डालना होता है, उसमें रिसीवर की सेंसिटिविटी डालनी होती है और ट्रांसमिट पावर, ये सब फैक्टर्स आपके इसमें काउंट होते हैं जब आप फ्री स्पेस पाथ लॉस का जो लॉस है वो आप ड्राइव करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन से। तो ये तो हुआ फ्री स्पेस पाथ लॉस। अब मैं बताता हूँ इस फ्री स्पेस पाथ लॉस का यूज़ कहाँ पे होता है। अभी तो आपको शायद ये बेसिक्स है आपके लिए, तो ये आपको शायद थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा। जब एक बिल्डिंग से कनेक्टिविटी दूसरी बिल्डिंग की करते हैं वायरलेस के थ्रू, या फिर किसी दो कंपनियों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे एक कंपनी मेरी एक लोकेशन पे है और ये डिस्टेंस यहाँ पे हमारा इस दूसरी कंपनी का जो लोकेशन है वो डिस्टेंस हमारा इन दोनों के बीच का सपोज करो ये 25 किलोमीटर होता है। सो फ्री स्पेस पाथ लॉस का जो इक्वेशन है वो इस तरह के वायरलेस लिंक को डिज़ाइन करने में यूज़ होती है, जहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये फ्री स्पेस पाथ लॉस हुआ। और चलिए बात करते हैं मल्टी पाथ। ए सेम फ्रिक्वेंसी पे दो वेव्स आ रही हैं, या तो नैनो सेकेंड टाइम इंटरवल पर आ रही हैं या सेम टाइम पे आ रही हैं, इसको बोलते हैं मल्टी पाथ, ठीक है। अगर ये इन फेज होते हैं तो ये एम्पलीट्यूड प्लस हो जाता है, इसका सिग्नल अच्छा और स्ट्रांग बन जाता है। अगर ये आउट ऑफ फेज होते हैं, सपोज करो एक सिग्नल ऐसा मिलता है और एक सिग्नल आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, ये आउट ऑफ फेज हो गए तो ये नल हो जाता है, सिग्नल डिस्कार्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मल्टी पाथ। तो मल्टी पाथ वायरलेस में यूजफुल होता है जब ये इन फेज सिग्नल रिसीव करता है कोई रिसीवर, जिससे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये आप एडवांस जो आपके CCWNA CCNA वायरलेस के जो कोर्सेज जब आप देखेंगे उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं गेन की। गेन होता क्या है एक्चुअल में? गेन जो होता है, सपोज कीजिए ये एक ट्रांसमीटर है और इसमें एक ऑसिलेटर लगा हुआ है जिसने आपको वेव्स जनरेट की, यहाँ पे आपकी वेव्स या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई, ठीक
ये फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड हो गया सपोज करो 1 dB। अब 1 dB एम्पलीट्यूड की वेव को अगर मैं एयर में ट्रैवल कराता हूँ 1 किलोमीटर, अगर मैं ये बोलता हूँ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, सपोज करो ये मेरा रिसीवर रखा है यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसको, रियल वर्ल्ड में ये डिफरेंट होता है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कराना है मुझे और मेरा जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड 1 dB है, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में ये वेव जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एंटीना लगाते हैं, ठीक है, ये एंटीना क्या करता है, इस अल्टरनेट करंट को लेकर ये इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। जब ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको मैं बोलता हूँ इसका गेन बढ़ गया, ये 1 dB की जगह 5 dB हो गया, और ये फिर इजीली मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाता है विद सम फ्री स्पेस पाथ लॉस। थोड़ा सा इसमें फ्री स्पेस पाथ लॉस होगा, हमने 5 dB यहाँ से ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ये ट्रैवल करके सपोज़ करो 2 dB का लॉस होता है, तो हमें 3 dB फिर भी यहाँ पे मिल जाता है। स्ट्रेंथ जो है सिग्नल की इंक्रीज हुई, उसको मैं गेन बोल देता हूँ। देख सकते हैं इसको, ये हुआ आफ्टर एंटीना, ये सिग्नल ऐसे बन गया, तो गेन आ गया 5, यहाँ पर था 1, ठीक है, तो ये सिग्नल जो है वो बढ़ गया, उसको मैं गेन बोल देता हूँ। चलिए हम बात करते हैं कि अटेन्यूएशन या लॉस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो राइट साइड में नीचे जो मैंने एक टेबल दिया हुआ है उसको देखेंगे, इसमें मैंने एक जगह लिखा है मटेरियल और दूसरी जगह है 2.4 GHz। तो आपके पास एक सिग्नल है, ठीक है, एक 2.4 GHz का फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड हमारा 5 dB है, लेस से 5 नहीं है, 20 है, ठीक है। अभी सिग्नल ट्रैवल कर रहा है और सामने एक फाउंडेशन वॉल आ जाती है, जब ये सिग्नल इसको हिट करेगा तो आपका रिटर्न जो आपको जो दूसरी साइड जो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो 5 dB का मिलेगा, -15 dB जो है इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो फाउंडेशन वॉल होती है उसका जो लॉस अटेन्यूएशन जो होता है वो है -15 dB। तो अगर आपको 20 dB सिग्नल इस जगह पर यहाँ पे रिसीव करना है दूसरी साइड रिसीवर पे, तो आपको इसको जैसे 45 dB आपका यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तो 45 आपका यहाँ पे होगा, माइनस इसमें से कर लो आप लॉस, सो ये हो गया आपका 30। तो आपको अगर यहाँ पे 30 चाहिए तो आपको 45 आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मेटल रैक है तो आप अगर 10 dB ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करते हो, मेटल रैक पे हिट होने के बाद उसमें लॉस आएगा और ये 4 dB रह जाएगा। तो इसलिए जब भी वायरलेस नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो हम साइट सर्वे करते हैं, हम लोग उस एरिया को जज करते हैं कि ये एरिया दिखता कैसा है, इसमें वॉल्स ज़्यादा हैं या इसमें मेटल रैक्स हैं या इसमें ग्लास विंडो है या नहीं है, या इसमें एलिवेटर है या मेटल के ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हम वायरलेस नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं लेफ्ट साइड वाले डायग्राम को। इसमें मैंने दिखाया है एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है और एंटीना गेन है दोनों साइड, बीच में पाथ लॉस है। तो जब ये सिग्नल ट्रांसमीटर से निकल के एंटीना तक जाता है तो इसमें गेन ऐड हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि एंटीना इज ए पैसिव काइंड ऑफ पैसिव एम्पलीफायर जो कि किसी बैटरी से ऑपरेट नहीं होता। इसमें एक इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कि आपके सिग्नल को लेके उसको एम्पलीफाई करके दे देता है, ठीक है, वेव्स के रूप में। तो जब भी एंटीना से आप किसी सिग्नल को कनेक्ट करते हो, किसी सिग्नल को पास करवाते हो, तो वो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, वो गेन बढ़ा देता है, ठीक है।
और अगर ये गेन नहीं बढ़ेगा तो वो सिग्नल दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएगा या बहुत वीक सिग्नल पहुंच पाएगा। तो जब ये सिग्नल ट्रैवल करेगा या ट्रांसमीटर से एंटीना से होते हुए, तो ये सिग्नल अगर एंटीना से निकलने के बाद 3 dB है, तो सपोज करो आपका जब ट्रांसमीटर से ये केबल लॉस होने के बाद 1 dB सिग्नल ऑसिलेटर ने जनरेट किया, एंटीना लगने के बाद ये 3 dB हो गया, उसके बाद फर्दर ये पाथ लॉस हुआ, ठीक है, फ्री स्पेस पाथ लॉस हुआ, और ये आपका 1 dB हो गया लॉस होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर 2 dB का लॉस हो गया। तो जब ये 1 dB सिग्नल रिसीवर के पास पहुँचेगा, तो रिसीवर के पास एंटीना लगा हुआ है, ये इसको फिर से एम्पलीफाई कर देगा, इसको फिर से 3 dB बना देगा, और ये आपके रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। तो ये हुआ पाथ लॉस और गेन, ठीक है। तो मिडल वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि मल्टी पाथ क्या होता है। तो इसमें देखिए कि डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है और एक रिफ्लेक्टेड सिग्नल जा रहा है, दो सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है, रिसीवर के पास। अगर ये सिग्नल इन फेज होते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर ये आउट ऑफ फेज होते हैं तो ये सिग्नल कैंसिल हो जाएगा। तो ये था लॉस, गेन और अटेन्यूएशन क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे RF कंपोनेंट के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन WLAN। थैंक यू।